समाजवादी पार्टी के विधायक रमाकांत यादव को सोमवार की सुबह फतेहगढ़ जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच पेशी के लिए आजमगढ़ लाया गया। रमाकांत यादव एमपीएमएलए कोर्ट में पेश हुए, जहां जहरीली शराब मामले में अपना बयान दर्ज कराया। एमपीएमएलए कोर्ट में पूर्व सांसद व फूलपुर पवई से वर्तमान सपा विधायक रमाकांत यादव की पेशी हुई। उनके खिलाफ माहौल में जहरीली शराब पीने से हुई मौत मामले में मुकदमा दर्ज है। रमाकांत यादव को सबसे पहले फतेहगढ़ जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच आजमगढ़ के सिदारी थाने पर ले आया गया। कोर्ट के खुलने तक रमाकांत वहीं पर रहे। इस बाबत मीडिया से रूबरू होते हुए सपा विधायक रमाकांत यादव ने बताया कि सत्ता का खुला दुरुपयोग हो रहा है। जब सरकार को कुछ नहीं मिला तो उसने रमाकांत यादव को शराब तस्कर बना दिया। बताते चले कि गत वर्ष माहौल में हुई जहरीली शराब कांड में कई लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना में पुलिस ने सपा के फूलपुर पवई से बाहुबली विधायक रमाकांत यादव के भांजे रंगेश यादव को पुलिस ने इस मामले में आरोपी बनाया था, जिसकी विवेचना के दौरान विधायक रमाकांत यादव का नाम भी सामने आया है। सर, किस मामले में पेशी है आपकी, बता दीजिए। कोई मामला लगा है कि रमाकांत यादव शराब पीते हैं? क्या कहना चाहेंगे, लगातार सरकार को दौर चढ़ रहा है, आप विधायक हैं वर्तमान में, आगे मुद्दा नहीं पाए तो आजम खान का कारण शराब बनाते हैं। विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है आपके, लगातार बढ़ा रहा है, क्या कहना चाहेंगे?